इंडोनेशिया टू ब्राजील बाढ़ की दहार। जी हाँ, इंडोनेशिया में भारी बारिश हुई है और बाढ़ और बर्बादी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुमात्रा द्वीप पर मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात है। अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 10 लोग लापता हैं। सिरिबन में सबसे ज्यादा तबाही मची है, जहाँ 83,000 लोग बेघर हो चुके हैं। और ये देखिए तस्वीरें जो हैं वो दिल को दहला देने वाली है। बाढ़ की हालात के बीच देखिए कैसे गाड़ियां फंसी हुई हैं। और अब तक जो जानकारी है कि 83,000 लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों के घर बार सब कुछ बाढ़ में तबाह हो चुका है। सिरिबन में सबसे ज्यादा तबाही मची है, अब तक 10 लोगों की मौत भी हो गई है और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अब आपको चार तस्वीरें हम एक साथ दिखा रहे हैं इंडोनेशिया में कुदरत के कहर की। अंदाजा लगाइए कि कितनी भीषण तबाही बाढ़ यहां मचा रही है। घर डूब गए हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, 10 लोग अलग अलग हादसों में जान गंवा चुके हैं, 10 लोगों का कोई अता पता नहीं है, गायब है। सड़कें समंदर सरीखे दिख रही हैं, तो वहीं गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। सैलाब का कहर ऐसा है कि रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने पर आमादा है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि इंडोनेशिया में तबाही शुरू कैसे हुई और कहां कहां हालात ज्यादा खराब है। सुमात्रा द्वीप पर मूसलाधार बारिश हुई है, जहां बाढ़ और भूस्खलन देखने को मिल रहा है। पेसिसिर सिलिटन में भूस्खलन के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। भूस्खलन के मलबे से नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से अचानक बाढ़ के हालात है। अलग अलग हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, 10 लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं वेस्ट जावा के सिरिबन में 36 गांव प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा तबाही सिरिबन में हुई है। सिरिबन में 83,000 लोग बेघर हो चुके हैं।